परेशान नहीं एक्चुअली. मैं एक बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल करके आती हूँ अलादीन को दिखाने के लिए. एंड एज़ यूजुअल वो अपने स्टूपिड कमेंट्स पास करते हैं एंड यू नो दैट मेक्स डॉक्टरी यास्मीन वेरी एंग्री एंड गुस्से में इरिटेट हो जाती है. उस पर बहुत गुस्सा कर देती है जैसे वो करती है एंड उसको समझ नहीं आता है वो क्यों उसको इतने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स दिखा रही है. एंड उसको एक ऑब्वियसली एक लड़के को दिखाते हैं तो एक लड़की कोई हेयर स्टाइल दिखाती है तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वाओ व्हाट अ हेयर स्टाइल. बट उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो उल्टा ही बोलता है एंड उसको लेके बहुत इरिटेट और परेशान हो जाती है वो. और उसका ध्यान तो कहीं और ही रहता, तो वो किस चीज़ में ध्यान? जैसे कि सब जानते हैं कि उसको यास्मीन से इश्क है एंड वो जानती है. काली चोरी जो यास्मीन है वो भी जानती है कि उसको यास्मीन से इश्क है. एंड वो ये सब जानते हुए भी यू नो समवेयर उसको है कुछ इमोशन है उसके लिए, अटैचमेंट है, बट वो नहीं कभी जान पाता है ये. सो उसको लेके शी गेट्स वेरी इरिटेटेड ऑल द टाइम. एंड जैसे कि अभी सीन में बात कर रहा है वो हमेशा यास्मीन के बारे में बात करता रहता है. सो शी इज़ ऑल्सो जेलस. ओके, तो अलादीन को ऐसा बाहर क्या दिख जाता है कि वो आपको भी भूल के उसी पे उसका ध्यान होता है? आई थिंक कोई सिग्नल है और समथिंग विच इज़ कुछ ईविल है. एंड मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि आगे का स्टोरी है उस पर बहुत मेन. एंड मैं जस्ट चाहूँगी दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं. सो कीप वॉचिंग अलादीन नाम तो सुना होगा ओनली ऑन सब टीवी. थैंक यू.